वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीजीके के वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हमने लगभग 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज फिर से हम लगभग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर एमपीजीके देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, और दो छोटी खंडपीठें कहा जाता है जिन्हें, इंदौर और ग्वालियर में। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से दो जिले गठित किए गए थे? मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर दो जिले निर्मित किए गए थे। सिंगरौली को सीधी से और अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया था। सिंगरौली को 23 मई के समथिंग 23 या 24 मई और अलीराजपुर को 17 मई 2008 को नया जिला घोषित किया था। भारतीय मानक समय देशांश के निकट मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? रीवा। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? याद रखे, संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च सन 1998 में हुआ था। याद रखें, राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च सन 1998 को हुआ था। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से संपर्क में है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संपर्क में है। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? याद रखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? याद रखें, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा नामक ग्राम से हुआ है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में टिंडोरी में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभयारण्य इंदौर में राला मंडल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू शहर के आसपास की जानापाव पहाड़ियों से हुआ है। दक्षिण भारत की द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जिसे तेली का मंदिर कहा जाता है, और यह मंदिर ग्वालियर में है। याद रखें, द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र दतिया में है। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? भारत भवन भोपाल की स्थापना सन 1982 में हुई। याद रखें ये डेट, इस प्रकार की डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता है। जंतर मंतर उज्जैन में है, और जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह। अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को कहाँ भेजा जाता है? उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में भेजा जाता है।
औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर भिंड में है, याद रखें मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र भिंड में। औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर झाबुआ में स्थित है, झाबुआ में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर में स्थित है। चंदेरी अशोकनगर के किले का निर्माता कौन है? चंदेरी अशोकनगर के किले का निर्माता प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल है। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? केन नदी का उद्गम कटनी जिले के कैमूर पर्वत श्रेणियों से हुआ है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में आता है, ओरछा में किस वंश का शासन था? ओरछा में बुंदेला वंश का शासन था। ओरछा का दुर्ग राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, आप ये ध्यान रखें। बेवर क्या है? बेवर एक प्रकार की कृषि पद्धति है, याद रखें बेवर क्या है? बेवर एक प्रकार की कृषि पद्धति है। भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया हाट भील जनजाति से संबंधित है। मेहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेहर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ पर है? भरहुत स्तूप सतना में है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म बेहट ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। लोक कवि ईसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? लोक कवि ईसूरी का जन्म मैंड की ग्राम झांसी में हुआ था। लोक कवि ईसूरी का जन्म मैंड की ग्राम झांसी में हुआ था। विदिशा की उदयगिरी की गुफा का संबंध किस काल से है? विदिशा की उदयगिरी की गुफा का संबंध गुप्त काल से है। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भवभूति ने। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो 52 गजा के नाम से जानी जाती है किस जिले में स्थित है? बड़वानी जिले में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले भिंड एवं मुरैना है, अर्थात मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले सरसों उत्पादक जिले हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम दशपुर है? तो याद रखें मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर का नाम दशपुर है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय विधि संस्थान ये विश्वविद्यालय भोपाल में है, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये याद रखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, याद रखें। कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मंडला जिले में स्थित है। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? शंकराचार्य की गुफा ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना सन 1969 में हुई, 1969।
आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जबलपुर। आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको MPCK के हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। आप पढ़ते रहिए MPCK। ऑल द बेस्ट।